हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है द माइंड ऑफ कंप्यूटर। तो मैं आज आपको 17 साल पुराना अतीत बताने जा रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं नोकिया 3310 की, जो 17 साल पहले लॉन्च हुआ था। अब फिर से इंडिया में ये रिलॉन्च होने जा रहा है, तो मैं इसके फीचर की बात करूँगा। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करूँगा, तो मैं इसकी 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले है, और इसकी बैटरी की बात की जाए तो 1200 mAh की इसकी बैटरी है। 22 घंटे का इसका टॉक टाइम है, स्टैंड बाय टाइम इसका 31 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, MP3 प्लेबैक टाइम 51 घंटे का है और FM प्लेबैक टाइम 39 घंटे का है। और इसके कलर की बात की जाए तो दोस्तों इसके चार कलर में ये अवेलेबल है, वार्म रेड, डार्क ब्लू, येलो एंड ग्रे। इंटरनल मेमोरी की बात की जाए, इसके मेमोरी की बात की जाए तो 16 GB इसमें इंटरनल मेमोरी है और इसकी एक्सपांडेबल मेमोरी 32 GB है। इसमें हम माइक्रो SD कार्ड 32 GB तक का सपोर्टेबल है और इसमें हम लग सकते हैं। इसके कैमरे की बात की जाए तो इसका 2 MP बैक कैमरा है विथ LED फ्लैश के साथ, इसका LED फ्लैश के साथ 2 MP का बैक कैमरा है। नेटवर्क की बात की जाए तो इसका 2G नेटवर्क है, और कनेक्टिविटी की बात की जाए इसकी तो माइक्रो USB 2.0 और ब्लूटूथ 3.0 SLAM कनेक्टिविटी है। नोकिया 3310 आपको कुछ ही दिनों में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और ये कुछ ही दिनों में हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान पर अवेलेबल होगा और कुछ ही दिनों में आपके हाथ पे भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये छोटे छोटे लोगों के पास जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि नोकिया जो 17 साल पहले लॉन्च हुआ था वो फिर से रिलॉन्च होने जा रहा है। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को जिसका नाम है द माइंड ऑफ कंप्यूटर, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी न्यूज़ लाता रहूं। तो वंदे मातरम, जय हिंद।